सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईसीडब्ल्यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी के लिए आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक कहानी लेकर, एक स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी में आज की बात जो हम करेंगे वो महानता पे करेंगे। आखिर महान बनते कैसे हैं, महान लोग कौन होते हैं? तो आज के सेशन में आज की बात हमारी जो होगी वो महानता पे होगी, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब को ले लिया जाए या सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या अमिताभ बच्चन साहब को, इन सभी लोगों जैसे बहुत सारे लोग हैं, बिल गेट्स साहब हमारे, ये लोग आखिर महान बनते कैसे? तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये महान शब्द क्या होता है, आखिर महान शब्द का मतलब क्या है? मैंने किताबों में पढ़ा है, कुछ लोगों से सुना है कि वो बहुत महान थे, उसने ये किया, उसने वो किया। आखिर ये महान लोग कौन होते हैं और ये महान बनते कैसे? ऐसे में पिता उसकी बातों को, बच्चे की बातों को प्यार से सुन रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। अब पिता ने एक तरकीब सोची कि बच्चे को उस महान शब्द का अर्थ समझाना। बेटे से कहा कि चलो बेटा हम दो पौधे ले आते हैं और पौधे को एक घर में लगाएंगे और दूसरे पौधे को हम घर के बाहर लगाएंगे। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। और ऐसे में एक पौधा बच्चा घर के अंदर लगा देता है और दूसरा पौधा घर के बाहर लगा देता है। लगाने के बाद वो पिता कि पिताजी दोनों पौधे तो लग गए। ऐसे में पिता ने कहा अच्छा बेटा ये बताओ, इन दोनों पौधों में कौन सा पौधा सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कौन सा पौधा जल्दी विकास करेगा? बेटे ने कहा यह भी कोई पूछने वाली बात है, जो पौधा घर में है वो पौधा एकदम सुरक्षित है और उस पौधे को जानवर भी नहीं खा सकते, वही पौधा सुरक्षित है इसलिए वो पौधा जल्दी विकास करेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, वक्त आने पर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ऐसे में वो बच्चा 3-4 साल के लिए बाहर पढ़ने चला गया और बाहर पढ़ने के बाद वो जब लौटा, पिता ने उसे घर में लगाए हुए पौधे को दिखाया और दिखाने के बाद बोला कि देखो बेटा ये वो पौधा है। बेटे ने कहा हाँ पिताजी, मैंने कहा था ना कि देखिए घर के अंदर का पौधा सुरक्षित रहेगा और ये पौधा सुरक्षित है। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, चलो तुम्हें बाहर वाले पौधे को भी दिखा देता हूं। पिता बेटे को लेके आते हैं और उस पौधे को, जिस पौधे को उस घर में लगाए गए पौधे के साथ लगाया गया था, वो पौधा आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका था। ऐसे में बेटा आश्चर्यचकित हो जाता है कि पिताजी ये पौधा वही पौधा है जो इतना बड़ा पौधा हो गया, आज एक विशाल पेड़ के रूप में। ऐसे में उस बच्चे को ये बात पिता ने बताई। बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे बन गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। तब पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया,
हजारों मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न उसने कोई मौसम का सामना किया, न उसे ठीक तरीके से धूप मिली, वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया है और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा वो कभी महान नहीं बन पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक शिक्षा प्रद बात लेकर आया हूं मैं कि आप कोई काम में फेल हो जाते हो तो दुखी मत हो। अगर आप पढ़ाई पढ़ने वाले हो, स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई में कम नंबर आ जाते हैं या आप फेल हो जाते हो तो उसमें भी दुखी होने की बात नहीं है, आप दुखी हो जाते हो। अगर आप बीच में हार मान लोगे तो घर के अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल, चाहे वो बिल गेट्स को आप ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो, लता मंगेशकर या अमिताभ बच्चन, जितने लोग भी महान हुए इस दुनिया में, हमारे अब्दुल कलाम साहब, ये महान व्यक्ति जितने भी बने उनके पीछे का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो हमारे फेलियर होने से भी ज्यादा है। उनका फेल्योर लाइफ, फेल्योर बैकग्राउंड देखकर आप विश्वास नहीं कर सकते कि आज वो सक्सेस हुए, आज वो महान बने इस दुनिया में, तो आखिर फेल होने के बाद। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप नर्वस ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम में अड़े रहते हैं तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं। धन्यवाद। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।